अध्याय 4: दुख की कीमत। 1944 के दौर में जापान को लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था। इस नुकसान के 2 महीने बाद की बात है। ओनोडा, जो कि जापान की लड़ाई में एक लीडर था, एक आइलैंड में ही रुक गया जहां पर अमेरिकन ने कब्जा किया हुआ था। वो अमेरिकन से लड़ता रहा बावजूद इसके कि जापान ने तब तक सरेंडर कर दिया था। उसे ये बात मालूम नहीं थी और वो आइलैंड में खुद के फार्मर्स को शूट करता रहा। जापानी सरकार ने उसे ढूंढने में पूरे 30 साल लगा दिए थे, मगर कभी कामयाब नहीं हो पाए थे। उसको कभी कोई पकड़ नहीं पाया था। फिर एक दिन सुजुकी नाम के एक हिप्पी आदमी ने उसे पकड़ लाने का फैसला किया और सिर्फ 4 दिन बाद ही वो इसमें कामयाब भी रहा। जब बाद में लोगों ने ओनोडा से पूछा कि वो 30 साल तक क्यों एक आइलैंड में रहा, इस पर ओनोडा ने कहा कि उसे कभी भी न हार मानने का ऑर्डर दिया गया था, इसलिए उसने कभी भी हार नहीं मानी। सोचना भी अजीब लगता है कि कैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कई यूजलेस और बेवकूफी चीजों पर लगा देते हैं। जैसे कि लूटनेंट ओनोडा ने अपनी जिंदगी के 30 साल की रेखा कर गंदगी में सोकर एक ऐसी लड़ाई लड़ने में लगा दिए जो हो ही नहीं रही थी। खुद को समझना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई प्यास होता है, इसकी बहुत सी परतें होती है और जैसे जैसे ये परतें उतरती है आपके आंसू बहते हैं। इसकी पहली परत है खुद की भावनाओं को जानना और समझना। दूसरी परत होगी ये समझना कि इन भावनाओं की वजह क्या है। एक बार जब हम इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो इन पर काबू पाना आसान हो जाता है, और एक बार जब हमें अपनी भावनाओं की पहचान हो जाती है तो इन्हें मन मुताबिक चुना जा सकता है। हम अपने मकसद इन्हीं भावनाओं के आधार पर चुन सकते हैं, लेकिन अगर हम गलत मकसद चुन लेते हैं तो इन सभी फीलिंग्स और इमोशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हम किसी चीज की तभी कद्र करते हैं जब उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। कुछ ऐसे आम वैल्यूज होते हैं जो हर किसी के एक परेशानी का सबब है, मगर इनका कोई ठोस सोल्यूशन नहीं होता, और ये वैल्यूज है डैश खुशी। देखा जाए तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, मगर हम हर चीज सिर्फ खुशी की खातिर तो नहीं करते, और जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, हालांकि लोग कोशिश जरूर करते हैं। आपको दुख मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर आपने इन दुखों से खुद को दूर रखने की फिजूल कोशिश की तो यकीनन आप और ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि दुख तो आते रहेंगे, बस आपको उनसे कुछ सीखने का तरीका ढूंढना है। डैश मटेरियल सक्सेस। सफलता को कभी भी धन दौलत से मत आंकिए कि आपके पास कितना पैसा है या आपकी बीवी कितनी खूबसूरत है वगैरह। इसके बजाय आप कितने ईमानदार है, कितने मेहनती है, औरों के लिए आपके दिल में कितना प्यार है, जैसी बातें मायने रखती है, ना कि आपका जोड़ा हुआ रुपया, पैसा या गाड़ी, बंगला। जो लोग अपने पैसे का रौब दिखाते हैं वे न सिर्फ छिछोरे होते हैं बल्कि एक तरह से बेवकूफ भी लगते हैं। डैश हमेशा सही होना। ये बात याद रखिए कि हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं जो हर काम बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। हमारा दिमाग परफेक्ट बना ही नहीं है। हम कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं, लेकिन जरूरी बात ये है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उससे सीख ले, ना कि उसे फिर से दोहराए। कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं होता। आप कितनी बार सही थे इसकी गिनती याद रखना फिजूल है, इससे आपको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा। डैश पॉजिटिव रहना। ये सच है कि पॉजिटिव सोच रखने के अपने फायदे हैं, मगर हर बार जिंदगी में सब पॉजिटिव और अच्छा ही होगा ये सोच कर चलना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। असल जिंदगी में हमें बहुत से उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, और आपको ये सच स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे नहीं मानते तो फीडबैक लूप के चंगुल में फंस कर रह जाएंगे। अगर आप अपने मन में उठने वाले नेगेटिव इमोशंस को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे तो और भी ज्यादा नेगेटिव भावनाओं से घिर जाएंगे। जब आपके मन में कुछ नेगेटिव आता है तो उसे रोकिए मत, बस सोचिए कि अगर ऐसा हो भी गया तो आप उसका सामना कैसे करेंगे।